नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। आने वाली 9 तारीख को होने वाली राहुल गांधी की मानगढ़ की सभा में भीड़ जुटा सफल बनाने के तहत उदयपुर शहर जिला कांग्रेस से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता को एकजुट रहते हुए जमीनी स्तर पर कार्य करते हुए कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। आपको बता दें कि बीते कल बी ब्लॉक के सदस्यों की एक बड़ी सभा को आयोजित करके संबोधित किया गया था। उसी के तहत आज दूसरे दिन अम्बामता थाना क्षेत्र में आने वाले ब्रंग ऋषि आश्रम सभागार में कांग्रेस के बड़ा पदाधिकारियों ने सभी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश जारी किए। आपको बता दें कि मानगढ़ में 9 तारीख को होने वाली एक विशाल सभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे और इसको लेकर आज शहर के अम्बामता थाना स्थित ब्रंग ऋषि आश्रम सभागार में कांग्रेस के बड़े पदाधिकारियों ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ सेवादल और एनएसयू के कार्यकर्ताओं की एक बड़ी मीटिंग ली, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास, अबरार अहमद, फतेह सिंह राठौड़, गोपाल कृष्ण शर्मा, ओबीसी जिलाध्यक्ष राजेश दया साहू, क्षेत्र के पार्षद शंकर चंदेल, विजय शंकर, कुमावत ए ब्लॉक अध्यक्ष सोमेश्वर जी मीणा, पार्षद गौरव प्रताप सिंह, गिरीश भारती, अरुण टाक, कौशल आमेटा, उदयनंद पुरोहित, महिला कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ ही सेवादल और एनएसयू के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सभा स्थल पर एक भारी जनसैलाब एकत्रित करने और सभी कार्यकर्ताओं को आपसी मनमुटाव और वैचारिक मतभेद भुला अपना नेता केवल राहुल गांधी को मानते हुए मजबूत करने की बात कही। वहीं अपने उद्बोधन के तहत गोपाल कृष्ण शर्मा ने कहा कि सभी को एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत करना है और कांग्रेस आलाकमान जिसको टिकट देगा उसी को जीता कर भी लाना है। अपने माथे से दुपट्टा नीचे नहीं उठाया उसको ये लोग विदेशी कहते हैं और परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। जिस परिवार ने इस देश में कुर्बानी दी है, इंदिरा जी ने जान दी है, राजीव जी को ब्लास्ट कर दिया गया, कोई हुआ ऐसा? आज इनकी मूर्तियां लगती है जगह जगह, चौराहे बनाए, उन्होंने क्या उपलब्धि की है इस देश में? कोई उपलब्धि है? आज कांग्रेस का अपना इतिहास, देश की आजादी में गांधी जी ने योगदान दिया और सहयोग आंदोलन के माध्यम से, अहिंसा के माध्यम से, जिस तरह से भाईचारा और उस 250 साल के अंग्रेजों को इस देश से उखाड़ के भेजा, तो पंचवर्षीय योजना के माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को ऊंचाई दी, इंदिरा गांधी ने देश के राष्ट्रीयकरण किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, ट्रिपल्स बंद करवाए और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवाए। इनमें से कोई शक्ति है जो ऐसी ताकत कर सकते हैं? आज हमारे राहुल गांधी आप लोगों के बीच में जो सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ, जिसके घर में सोना देखा, जिसके बाप दादाओं के कपड़े धुलने के लिए यूरोप और इंग्लैंड जाया करते थे, आप उसको मामूली आदमी समझते हैं? वो व्यक्ति आपके बीच में दर दर भटक रहा है। क्यों भटक रहा है? वो आपके आंसू पोंछने के लिए, आपकी तकलीफ को समझने के लिए कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चला है। क्यों चला है? क्या जरूरत है? सत्ता चाहिए। सोनिया गांधी ने इस पार्टी के लिए त्याग, तपस्या और बलिदान की देवी कहता हूँ। इस पार्टी को मजबूती लाने के लिए उसने तपस्या की, उसने बड़े प्रधानमंत्री का पद का त्याग किया और अपने परिवार का बलिदान देकर भी इस देश की सेवा की है। आज उसको ये परिवारवाद का आरोप लगाने वाले लोग इनको समझने की जरूरत है। जिस तरह से देश को ये बांट रहे हैं, आज राहुल गांधी जी ने जिस तरह से यात्रा की, गरीबों को पहचाना, मजदूरों को पहचाना, महिलाओं को दर्द जाना और कितने 4,500 किलोमीटर की यात्रा की और आपके बीच कभी आप देखेंगे उनके फोटो, कभी वो खेत खलिहान में काम कर रहे हैं, कभी वो सड़क में काम कर रहे हैं। कोई कर सकता है ऐसा नेता? आज हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है और कांग्रेस ही एक पार्टी है। आज हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जिस तरह से काम किया है, आम आदमी के लिए जो सुख सुविधाएं दी है, चिरंजीवी योजना से लेकर नीचे तक की यात्राएं दी है, आपको समझने की जरूरत है, आपको घर घर पहुंचाने की जरूरत है और सत्ता में कांग्रेस को वापस लाने की जरूरत है ताकि देश का नक्शा जो मिटाना चाहते हैं हम वापस इस भारतवर्ष को भारतवर्ष बनाए। हिंदुस्तान जो हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है, इसका कोई दाय राय नहीं है। हमें उनके माध्यम से, उनके साथ जुड़कर, उनके कंधे से कंधे मिलाकर फिर कांग्रेस की सरकार को याद लगानी है और भारत में फिर उनका परचम, हाथ का झंडा, हाथ का निशान लेकर आगे बढ़ना है। हर कार्यकर्ता का यह कर्तव्य है। आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों से मेरी विनती है कि कांग्रेस के लिए एक हो जाओ और एक परिवार की तरह एक दूसरे का दुख दर्द बांटो और समझो कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं, हमारा कौन है, इस देश का
मालिक कौन है, इस देश को संभालने वाली शक्ति कौन है, हमें उसको समझने की जरूरत है। आज हमारे बीच अभी अशोक साहब बताएंगे, राहुल गांधी जी 9 तारीख को मानगढ़ आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि सभी कार्यकर्ता अपने साथियों के साथ उनके सम्मान में वहाँ पधारें और उनका ताकत बढ़ाएं और उनको ये लगे कि मेरे सामने इतनी शख्सियत खड़ी है, इतनी ताकत मेरे पीछे पड़ी है, उनको तकलीफ नहीं होगी, उनको हिम्मत होगी। आज उनके ऊपर आरोप लगते हैं, उनकी सांसद सदस्यता भंग की जा रही है, उनके ऊपर केस लगाए जा रहे हैं, उस परिवार के मकान छीने जा रहे हैं। ये कैसा दुर्भाग्य है इस देश का, आज तक कभी हुआ है? ऐसा कभी नहीं हुआ। ये इतिहास बदल देने वाली पार्टी है, हमें इसको उखाड़ के फेंकना होगा। हमें समझना होगा कि आपका दर्द बांटने वाला और दुख दर्द को समझने वाला कौन है। हालांकि एक और कांग्रेस को मजबूती देने की बात करते हुए उदयपुर विधानसभा के तहत आलाकमान द्वारा टिकट देकर भेजे गए प्रत्याशी को विजय दिलाने की बात करने के साथ ही लगातार उदयपुर शहर विधानसभा की सीट पर कांग्रेस के मध्य चलती गुफ्तगू के तहत सामने आ रहे बाहरी प्रत्याशियों के तौर पर दिनेश खोड़निया और गौरव वल्लभ के नाम का विरोध भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर देखने को मिला। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने यह भी बताया कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले असरार अहमद को उदयपुरी प्रभारी के तौर पर लगाया गया है, वह कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के वोट को अपने पक्ष में करने के तौर पर देखा जा सकता है। मैं चाहता हूं उदयपुर शहर से उदयपुर विधानसभा पर कार्यकर्ता जो आ रहे हैं ना, जो भी पैसे वाला कोई भी पैसे के दम पे कुछ लोग हैं लाना चाहते हैं, ग्राहक को निवेदन उनको मत दो। अब मौका है, राज कांग्रेस का आने वाला है, उदयपुर सीट अपन जीतने वाले हैं। परिवर्तन का मौका आया, अध्यक्ष जी भी बनाए भले सिंह जी को, ये परिवर्तन है उदयपुर शहर में। 1000% अपन मेहनत करेंगे, उदयपुर का कैंडिडेट लड़ेगा, महादेव की कसम वो जीतेगा, 1000% जीतेगा। और आप गौरव वल्लभ जी को कौन जान रहा है, दिनेश खोड़निया को कौन जान रहा है, इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आप सबसे, उदयपुर से अगर लड़ाई है तो उदयपुर का कैंडिडेट लड़ाया। जय हिंद।